हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं बंगाल के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ देता हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं कभी कभी रात के वक्त पिताजी के ऑटो को चलाने का काम किया करता हूँ। मेरे पिताजी जो दिन भर ऑटो चलाकर एक एक पैसे जोड़ा करते हैं जिससे हमारा घर चल पाता है, पर इसके बावजूद भी हमारे ऊपर बहुत कर्ज है और इसका कारण है मेरी माँ का ज़्यादातर बीमार रहना। उसे लगभग 10 साल पहले ही उसके सर में काफ़ी तेज चोट लगी थी और उसके बाद से ही उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। मेरे पिताजी उन्हें कई डॉक्टरों के पास दिखा चुके हैं पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे तो खर्च हुए पर मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाया और यही कारण है कि मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद रात के वक्त ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता हूँ, जिससे मैं कुछ पैसों को कमा पाता हूँ और उन पैसों से मेरे पिताजी की कुछ मदद हो पाती है, हमारे ऊपर के कर्ज कम करने में थोड़ी मदद हो पाती है। मैं ऑटो चलाकर काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता हूँ क्योंकि मैं रात के वक्त सवारी को उस जगह पर भी लेकर जाता हूँ जहाँ कोई और ऑटो ड्राइवर लेकर नहीं जाना चाहता, और इसके बदले मैं पैसे भी उनसे किराए से थोड़े ज़्यादा लेता हूँ। इसी तरह यहाँ मेरी जिंदगी कट रही है। मैं 24 साल का हो चुका हूँ और अब मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं किया करती है। मुझे हर लड़की रिजेक्ट कर दिया करती है और मैं समझ नहीं पाता कि आखिर इसका कारण क्या है। मैं दिखने में तो अच्छा हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ और ऑटो चलाकर अपना खर्च भी तो निकाल ही लिया करता हूँ, फिर कारण क्या है जो लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं किया करती। मैं अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि मेरे अंदर कोई खराबी है क्या, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। तब मेरे पड़ोस के एक आंटी का कहना था, देखो बेटा तुम दिखने में तो अच्छे हो, हंसमुख हो, पर इन सबसे कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। तुम्हारे पास अच्छे घर नहीं हैं और ना ही अच्छी गाड़ियाँ हैं और यही कारण है कि तुम्हें सभी लड़के वाले रिजेक्ट कर दिया करते हैं। खैर अभी तो तुम्हारे कमाने की ही उम्र हुई है, मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिर देखना तुम्हारे 30 के उम्र में भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी, बस तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। वो आंटी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी समझ गया था यकीनन यही कारण है, क्योंकि मेरे कॉलेज की एक लड़की जो मुझे बहुत पसंद किया करती थी, हम फोन पर भी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चली कि मैं एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर का बेटा हूँ और मैं भी ऑटो चलाया करता हूँ, तो वो मुझसे दूर हो गई। उस समय तो मैं ये बात नहीं समझ पाया था, पर अब मुझे समझ आ रहा है। खैर कुछ ही महीनों में हमारे ऊपर के ये कर्ज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं पैसे जोड़ना शुरू कर दूंगा। यही सोचकर मैं मेहनत कर रहा था, दिन में कॉलेज और रात में ऑटो रिक्शा चलाने का काम, पर शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कभी भी अच्छे दिन लिखे ही नहीं हैं। मुझे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मैं एक दिन कॉलेज से पढ़कर घर वापस लौटा था। तब मेरी छोटी बहन रो रही थी। मैं उसे पूछने लगा क्या हुआ, तो उसका कहना था कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो यहीं के एक अस्पताल में भर्ती हैं, माँ भी उन्हें ही देखने के लिए अस्पताल गई हुई है। उसकी बातें सुन मेरा दिमाग सन हो गया। मैं अपना साइकिल उठाया और जल्दबाजी में अस्पताल पहुँचा। मेरे पिताजी बेड पर लेटे हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। 2 दिनों तक ऐसे उनका इलाज चलता रहा और 2 दिन बाद डॉक्टर का कहना था, देखिए आपके पिताजी के सर में काफ़ी चोट लगी है जिसके कारण वो कोमा में जा चुके हैं, पता नहीं वो कब तक उठ पाएंगे। आप चाहे तो आप अपने पिताजी को घर ले जा सकते हैं। उनकी बातें सुन मेरी माँ काफ़ी तेज तेज रोने लगी थी और मैं उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगा, देखो रो मत, पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं उन्हें ढाढ़स तो दे रहा था, लेकिन मैं खुद अंदर से कितना ज़्यादा टूट चुका था ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं अपने पिताजी को लेकर घर आ गया और अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका हूँ। अब मैं अपने ऑटो को रिपेयर करवा कर 18 घंटे ऑटो को चलाने का काम किया करता हूँ। मेरे घर वाले वो मुझे मना किया करते हैं, उनका कहना होता है कि तुम ऑटो मत चलाया करो, क्या पता कहीं पिताजी की तरह ही तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। पर मेरे पास ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे घर के आसपास एक भी प्राइवेट कंपनी नहीं है और इस समय
मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने घर से दूर भी नहीं हो सकता। मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ और शाम के वक्त घर में आकर खाना खाता हूँ और फिर से ऑटो को लेकर निकल जाता हूँ और रात के लगभग 2 से 3 बजे तक ऑटो को चलाता हूँ। यही मेरा हर रोज का काम हो गया है। पर एक दिन जब मैं शाम का खाना खाकर ऑटो चलाने गया था, ठंड का मौसम था जिस कारण बाहर कोहरा भी हल्का हल्का छाना शुरू हो गया था। मैं ऑटो काफी रफ्तार से रिक्शा स्टैंड की ओर भगाया जा रहा था कि तभी मैंने देखा मुझे कुछ ही दूरी पर काले कपड़े में रास्ते के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा था। वो अपना हाथ आगे कर ऑटो को रोकने का इशारा कर रहा था। अब मैं भी ऑटो उनके पास जाकर रोका। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब होगी और मैं उनसे कहने लगा, कहाँ जाना है काका आपको? अब मेरे इस बात को सुनकर वो भी ऑटो में आकर बैठ गए और वो मुझसे कहने लगे, चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम्हें उसी ओर जाना है। अब मैं भी ऑटो को आगे की ओर भगाने लगा। रात के करीबन 10 बजे का समय होगा। मैं कुछ देर तक ऑटो को हाईवे पर चलाता रहा और तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कहने लगा, आगे कुछ ही दूरी पर दाएं तरफ एक कच्ची सड़क होगी, ऑटो उसी रास्ते पर मोड़ लेना। अब मैं भी कुछ दूर आगे जाने के बाद ऑटो को उसी रास्ते पर मोड़ लिया। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था। यहाँ रास्ते के बीचों बीच कई सारे छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ लोगों का आवागमन बहुत ही कम होता है। मैं उसी कच्ची सड़क पर ऑटो को भगाता गया और लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, बस यहीं रुकना है। अब मैं भी ऑटो रुक ऑटो से बाहर निकला। तब मैंने देखा यहाँ पहाड़ों से लगकर एक शमशान था और मैं समझ नहीं पा रहा था ये व्यक्ति यहाँ पहाड़ों के पास शमशान के पास भला क्या करने आया होगा, वो भी रात के वक्त। मैं उससे पूछने लगा, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उस व्यक्ति का कहना था, देखो ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, अपने पैसे लो और चुपचाप यहाँ से चलता बनो। मैं भी उनकी बातों को सुनकर चुप था। मैं पैसे लिया और फिर ऑटो को चलाता हुआ शहर की ओर बढ़ चला। मैं ऑटो को चलाता हुआ रिक्शा स्टैंड तक पहुँचा और रात के लगभग 3 बजे तक ऑटो को चलाने का काम करता रहा। फिर मैं अपने घर में आकर सो गया। अगले दिन फिर से पूरे दिन मैं ऑटो चलाया और फिर से रात के वक्त जब मैं खाना खाकर रात के लगभग 10 बजे रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा था, तब मैंने देखा वहाँ वही यात्री खड़ा था जो कल रात के वक्त मुझे मिला था। ये वही बूढ़ा व्यक्ति था और मैं उनके पास जाकर ऑटो रोका। वो मुझे देखते पहचान गए और वो मुझे कहने लगे, क्या तुम आज फिर उसी जगह पर जाओगे? देखो मैं तुम्हें इसके बदले पैसे काफ़ी अच्छे दूंगा। यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई ऑटो वाला जाना नहीं चाहता। भले ही आज यहाँ दूर दूर तक मुझे कोई ऑटो रिक्शा वाला दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑटो वाला उस जगह पे जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पैसे काफ़ी अच्छे दे रहा हूँ, चलो तुम मुझे उस जगह पे छोड़ दो। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उनसे कहने लगा, मेरा तो काम ही यही है, यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुँचाना, सवारी को उनके मंजिल तक पहुँचाना। मैं भी इतना बोलते हुए ऑटो स्टार्ट कर आगे की ओर बढ़ चला और लगभग आधे घंटे बाद 30 से 35 मिनट बाद मैं उस जगह पर पहुँच आया था। वहाँ पहाड़ों के पास सटा हुआ जो शमशान था उस जगह पर पहुँच आया था। तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पैसे देते हुए कहने लगा था, क्या तुम मुझे हर रोज इस जगह पर पहुँचा सकते हो और हर रोज यहाँ से तुम मुझे लेकर जा सकते हो? देखो मैं तुम्हें इसके बदले काफ़ी पैसे दूंगा। महीने के 30,000 रुपये मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम इस काम को करना चाहते हो? वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और उसकी बातें सुन मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बस उसे यहाँ पे पहुँचाना और यहाँ से ले जाने का ही तो काम था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 घंटे का समय जाता और उसके बदले वो महीने के मुझे 30,000 रुपये सैलरी देने को तैयार थे। सिर्फ 1 घंटे, हर रोज 1 घंटे काम करके 30,000 रुपये सैलरी मिलते महीने के, तो फिर बुरा क्या है? मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, हाँ मैं आपको हर रोज यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ से लेकर भी चला जाऊंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति भी मान गया था और वो मुझे फिर से पैसे देते हुए कहने लगे, ये लो 10,000 रुपये, ये एडवांस हैं, बाकी के 20,000 रुपये मैं महीने पूरे होने के बाद तुम्हें दूंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे हाथों पे 10,000 रुपये रख चुके थे और अब मैं उनसे सवाल नहीं पूछना चाहता था कि वो यहाँ पे रात के वक्त क्या करने आते हैं। मुझे क्या करना था, मुझे तो पैसे मिल रहे थे। मैं पैसों को अपने जेब में रख ऑटो को लेकर फिर से रिक्शा स्टैंड की ओर बढ़ चला। मैं लगभग आधे घंटे में रिक्शा स्टैंड पर पहुँच आया
और रात के 3 बजे तक रिक्शा को चलाने का काम करता रहा। तब मुझे याद आया कि उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि रात के चार बजे मुझे उस शमशान घाट के पास आना है, वो जो पहाड़ी से लगकर शमशान घाट है वहाँ पे आना है। मैं तुम्हें वहीं शमशान घाट के पास खड़ा मिलूंगा। अब मैं भी रिक्शा को उसी कच्ची सड़क पर मोड़ लिया। मैं शमशान घाट के पास पहुँचा और लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद ही वो बूढ़ा व्यक्ति भी शमशान घाट की ओर से चलता हुआ आया और ऑटो में बैठ गया। मैं भी ऑटो स्टार्ट कर रिक्शा स्टैंड की ओर बढ़ चला। मैं हाईवे पे पहुंच आया तब मैं उस बूढ़े व्यक्ति से पूछने लगा, क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? लेकिन उनका कहना था, नहीं, तुम मुझे यहाँ रिक्शा स्टैंड के पास ही छोड़ दो, मैं यहाँ से चलते हुए अपने घर चला जाऊँगा। मैं भी उन्हें रिक्शा स्टैंड पर ही उतार दिया और ऑटो को लेकर अपने घर पहुँचा। घर में जाकर सो गया और फिर दिन के लगभग 10 बजे के करीब ऑटो को लेकर मैं फिर से शहर आ गया, रिक्शा स्टैंड पे आ गया और दिन भर ऑटो को चलाने का काम करता रहा। शाम के वक्त वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से मुझे मिला और मैं फिर से उन्हें लेकर शमशान घाट के पास चला गया। फिर से मैं कुछ देर तक ऑटो चलाया और रात के लगभग 4 बजे के करीब मैं फिर से उन्हें लेने के लिए शमशान घाट के पास पहुँचा, उन्हें लेकर रिक्शा स्टैंड पर छोड़ दिया। ऐसे हर रोज का काम था। समय बीता लेकिन 20 दिन बाद वो अमावस्या की रात थी जब मैं रात के लगभग 3 बजे ही उन्हें लेने के लिए शमशान घाट के पास पहुंच गया था। तब मैंने देखा वहां आज शमशान घाट का दृश्य जैसे बदला बदला सा लग रहा था। वहां शमशान घाट में जमीन पे कई सारे मोमबत्तियों को लगाया गया था और वहीं शमशान घाट के अंदर वो जो बड़ा सा पेड़ था उसके पत्ते देखने में से लग रहे थे कि जैसे चमक रहे हो। मुझे नहीं पता कि उस पर दीपक लगाए गए थे या फिर कोई खास तरह की लाइट उस पेड़ में लगाया गया था जिस कारण उस पेड़ के पत्ते चमक रहे थे। मैं उसी पेड़ को देख रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ी वहीं पेड़ से कुछ ही दूरी पर। वहां जमीन पे एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया था जिसमें आग जल रही थी और तभी मैंने देखा उसी आग के पास वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। इतनी दूर से देखने के बाद भी मुझे साफ पता चल रहा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे किसी से बातें कर रहा था और मैं उसे देखते ही समझ गया यकीनन ये तांत्रिक है और यहाँ इस शमशान में ये साधना करने के लिए आया करता है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा था कि ये तांत्रिक, ये बूढ़ा व्यक्ति आखिर बातें किससे कर रहा था, क्योंकि ये मंत्रों को नहीं पढ़ रहा था। मंत्र तो हवन कुंड के आमने सामने होकर पढ़ा जाता है ना, लेकिन ये अपने सर को दाहिनी ओर घुमाकर किसी से बातें कर रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पे और कौन है। इस बूढ़े व्यक्ति के अलावा तो यहाँ मुझे पूरे शमशान में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, फिर ये बातें किससे कर रहा है। वहां पे काफी देर तक किसी से बातें करता रहा, हवन कुंड में आग जलती रही और कुछ देर बाद वो शमशान घाट से बाहर निकल आए और वो चलते हुए मेरे पास आए। तब मैं उनसे कहने लगा, अच्छा तो आप तांत्रिक हैं, आप यहाँ पे साधना करने के लिए आया करते हैं ना। तब उनका भी कहना था, हाँ मैं एक तांत्रिक हूँ। उस दिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम पहले दिन ही मुझसे सवाल पूछने लगे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं एक तांत्रिक हूँ। तब मैं भी उनसे कहने लगा, लेकिन आप वहाँ शमशान घाट में बातें किससे कर रहे थे? आपके आसपास तो कोई नहीं था, आप मंत्रों को नहीं पढ़ रहे थे, मैं ये जानता हूँ, आप बातें किससे कर रहे थे? तब उनका कहना था, उससे ही जिसे मैंने सिद्ध कर रखा है, वो दिन रात मेरे साथ ही रहा करता है, उसका नाम काला प्रेत है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आएगी, तुम मेरी बातों को यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच्चाई है। मेरे साथ अभी भी एक प्रेत है, वो शायद तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन मैं उसे देख पाता हूँ। देखो यहाँ मेरे बगल में ही खड़ा है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी बातों पर हंस पड़ा था। तब वो मुझसे कहने लगे थे, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आएगी लेकिन मैं किसी को समझाना भी नहीं चाहता, चलो मुझे रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दो। इतना बोलते वो ऑटो में आकर बैठ गए और मैं भी ऑटो स्टार्ट कर उनसे कहने लगा, देखिए मुझे आपकी बातों पर हंसी नहीं आ रही, मुझे पता है कि आप एक तांत्रिक हैं, यकीनन आप भूत प्रेतों को सिद्ध कर रखे होंगे, लेकिन आज के जमाने में ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है। मैं उनसे हंसते हुए ऐसा कह रहा था और तब वो तांत्रिक बाबा मुझे कहने लगे थे, देखो अगर तुम्हारी कुछ इच्छा है तो तुम मुझसे मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम एक बार मांग कर देखो। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे हंसते हुए कहने लगा था, देखिए बाबा मुझे पता है कि कोई इच्छा मेरी पूरी नहीं होने वाली, मैं अपनी मेहनत से ही उन इच्छाओं को पूरी करूंगा
और बाद में मुझे ऐसा लगता रहेगा कि मेरी मनोकामना आपकी वजह से पूरी हुई है। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपके पास वो मनोकामना मांगी थी, इस कारण वो पूरी हुई है, लेकिन असल में वो मनोकामना मेरी मेहनत के वजह से पूरी होगी। तब वो बाबा कहने लगे थे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम कोई ऐसी मनोकामना मांगो जिसके पूरे होने के चांस बहुत कम है। तब मैं भी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, क्या आप मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं? मेरी माँ जो आज तक कभी ठीक ही नहीं हो पा रही, वो 10 सालों में कई डॉक्टरों के पास दिखा चुकी है, लेकिन उनके सर के दर्द कभी ठीक ही नहीं हो पा रहे। तब वो बाबा कहने लगे थे, ठीक है तुम देखना, बस अगले कुछ ही दिनों में, 4 से 5 ही दिनों में तुम्हारी माँ के सर के दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और तब मैं भी उस तांत्रिक बाबा से कहने लगा था, देखिए अगर ऐसा हो गया तब मैं आपको मान जाऊंगा कि आप सच में एक सिद्ध तांत्रिक हैं, आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जो किसी के भी मनोकामना को पूरी कर सकती है। तब वो बाबा कहने लगे थे, यकीनन होगा। फिर हम ऐसे ही बातें करते हुए उन्हें रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दिया और वो भी चलते हुए शायद अपने घर की ओर बढ़ चले। मैं अपने ऑटो रिक्शा को लेकर घर पहुंचा और तब मैंने देखा मेरी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मेरी छोटी बहन उसके पास ही बैठी हुई थी और मेरी माँ जैसे दर्द से कराह रही थी। मैं उनके पास पहुंचा और अपनी बहन से पूछने लगा, क्या हुआ इसे? तब मेरी बहन का कहना था, पता नहीं भैया, ये तो भी अच्छी भली सो रही थी, शायद इनके सर में फिर से दर्द होना शुरू हो गया है, इसी कारण ये दर्द के मारे कराह रही है। तब मैं अपनी छोटी बहन से कहने लगा, तुमने इसे दवाई नहीं दी है? तब उसका कहना था, हाँ मैं इन्हें दवाई दे चुकी हूँ। तब मैं उसे कहने लगा, कितने देर पहले से इनके सर में दर्द देना शुरू हुआ है, मतलब कब से ये दर्द से करा रही हैं? तब मेरी बहन का कहना था, आपके आने से लगभग 20 मिनट पहले से ही इनके सर में दर्द होना शुरू हुआ है। मेरी बहन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं वही माँ के पास बैठा उनके सर को पकड़ा हुआ था। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा था, कहीं उस तांत्रिक बाबा ने कोई जादू तो नहीं कर दिया जिस कारण मेरे माँ की सर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। तभी मेरी माँ को जैसे थोड़ा थोड़ा राहत मिलना शुरू हो गया था, वो अपनी आंखें खोल चुकी थी और तब मैं उसे पूछने लगा कि आपके सर का दर्द थोड़ा कम हुआ है? तब मेरी माँ का कहना था, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, शायद अभी दवाई खाई हूँ इसी कारण मेरे सर का दर्द कम हुआ है। तब मैं अपनी माँ से पूछने लगा, क्या हुआ था ऐसे अचानक से आपके सर में दर्द होना शुरू हो गया? तब मेरी माँ का कहना था, पता नहीं बेटा, मैं सो रही थी और मुझे सपने में ऐसा लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है, कोई काले रंग का वो परछाई था और वो अचानक से छलांगे मारकर मेरे सर पर कूद पड़ा था, और तब जब मैं अपनी आंखें खोली तो सच में मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही क्या वो सपना था या फिर वो सच्चाई थी, हकीकत थी जो मैं सपनों में देख रही थी। मैं भी उनकी बातें सुन बहुत ही ज्यादा हैरान था, कहीं सच में उस बाबा ने किसी प्रेत को तो नहीं भेजा है? मैं ये सब बातें अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई और दिन के लगभग 10 बजे मैं फिर से ऑटो रिक्शा को लेकर चलाने के लिए चला गया। मैं पूरे दिन ऑटो रिक्शा को चलाता रहा और शाम के वक्त जब मैं घर खाना खाने के लिए आया था, तब आज मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। उन्होंने खुद ही मेरे लिए खाना लगाया था। तब मैं अपनी माँ से पूछने लगा, आपके सर में दर्द नहीं हो रहा? तब मेरी माँ का कहना था, नहीं आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर का दर्द जैसे गायब हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, पूरे 10 सालों बाद आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तब मैं अपनी माँ से कहने लगा, कोई बात नहीं, आपके सर का दर्द बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तब मेरी माँ कहने लगी थी, ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन ये दर्द सिर्फ कुछ ही समय के लिए गायब हुआ है, फिर से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मेरी माँ मुझसे ऐसा कह रही थी और तब मैं भी उनसे कहने लगा, ऐसा नहीं होगा, आप देखना जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं खाना खाया और ऑटो रिक्शा को लेकर सीधा रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गया। वहां वो तांत्रिक बाबा खड़े थे और मैं उन्हें ऑटो रिक्शा में बिठा कर कहने लगा, बाबा सच में आज मेरी माँ के सर का दर्द थोड़ा कम हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा उस बाबा से कह रहा था और तभी मेरी नज़र पड़ी उनके उंगली के ऊपर, उनके उंगली से खून बह रहे थे। और तब मैं उस बाबा से कहने लगा, आपकी उंगली में चोट कैसे लगी, आपकी उंगली से खून कैसे बह रहे हैं? तब उस बाबा का कहना था, ये उसने ही किया है जो मेरे साथ रहा करता है, आखिर इसने मेरी बात मानकर तुम्हारी माँ के सर का दर्द को खत्म किया है, उसके बदले ये भी तो मुझे कुछ लेगा ना, ये
मेरे खून को पी रहा है। तभी मैंने देखा, सच में उनके उंगली से खून तो बह रहे थे, लेकिन एक भी खून के बूंद नीचे नहीं गिर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनकी उंगली में सिर्फ थोड़ा बहुत ही खून बह रहा हो, उनकी उंगली में काफी ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन उनके उंगली से ही सारे खून कहीं गायब होते जा रहे थे। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तब वो बाबा कहने लगे थे, वही भूत है जो मेरे खून को पी रहा है। चलो ऑटो को शमशान घाट की ओर लेकर चलो, साधना करके मुझे फिर से इस भूत को शांत करना है। तब मैं भी ऑटो को शमशान घाट की ओर बढ़ा दिया। मैं ऑटो को चलाता जा रहा था और मैं उस बाबा से बातें कर रहा था। मैं उन्हें कह रहा था कि क्या ये भूत प्रत्येक दिन आपके खून को पिया करता है। तो उनका कहना था, हाँ ऐसा ही समझो, क्योंकि जब भी मैं इसे कोई इच्छा मांगता हूँ तो उसके बदले मुझे अपना खून इसे पिलाना पड़ता है, और मैं यहाँ शमशान में प्रत्येक दिन साधना करने के लिए इसलिए आता हूँ ताकि मैं इस प्रेत को शांत कर सकूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये काला प्रेत मेरी जान ले लेगा। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं ऑटो चलाते हुए हवा की रफ्तार से शमशान घाट की ओर बढ़े जा रहा था। मैं कुछ ही देर में शमशान घाट के पास पहुंचा और तब वो बाबा भी ऑटो रिक्शा से उतरकर शमशान घाट की ओर चले गए। आज मैं भी वापस नहीं जाना चाहता था। मैं उनके साथ साथ शमशान घाट में पहुंचा। बाबा मुझे मना कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे, देखो तुम शमशान घाट के अंदर मत आओ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। यहाँ पे कई सारे भूत प्रेतों का निवास है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं उनके साथ ही चलता गया। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये तांत्रिक बाबा साधना कैसे किया करते हैं। मैं उनके साथ साथ शमशान घाट में पहुंचा और वहीं जमीन पर बैठ गया। वो तांत्रिक बाबा उस हवन कुंड में आग जला चुके थे और अपने हाथ में एक इंसानी खोपड़ी को पकड़ कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वो बार बार जमीन से राख उठाते और हवन कुंड में फेंकते और लगातार मंत्रों का उच्चारण करते जाते। वैसा कर रहे थे और देखते ही देखते उनके उंगली से जो वो खून बह रहा था उनके घाव पूरी तरह से भर चुके थे। और तब मैं उस बाबा से कहने लगा, ये क्या हुआ, आपकी उंगली से खून बहना बंद हो चुका है। लेकिन वो बाबा अपनी आंखें बंद कर मंत्रों को लगातार पढ़े जा रहे थे। मैं उनकी ओर देख रहा था, लेकिन तभी वहां से काफी अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कई सारे इंसान हैं जो रो रहे हैं। यहाँ पे देखते ही देखते काफी तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये तेज तेज हवाएं कैसे चलने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आने को है। मैं आसमान की ओर देखा, आसमान में बादल नहीं थे। मैं हैरान था, ठंड के मौसम में से आंधियां नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ये तेज तेज हवाएं कैसे चले जा रही है। मैं अपनी नजर वही शमशान घाट में इधर उधर घुमाकर देख रहा था और तभी मेरी नजर पड़ी वहीं शमशान घाट में लगे पेड़ों पे। वहां सभी पेड़ों पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो बैठा है, कोई इंसान ही है जिसकी आंखें पीली रंग की चमक रही है। मैं सभी पेड़ों पे अपनी नजर इधर उधर घुमाकर देख रहा था और सभी के सभी पेड़ों पे कुछ तो था जिसकी आंखें चमक रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये इंसान के ही आंखें हैं। मैं काफी ज्यादा डर गया था। एक तो यहाँ पे ये तेज तेज चलने वाली हवाएं, ऊपर से इंसानों के रोने वाले ये आवाज, और अब पेड़ों पे चमकती हुई आंखें। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था और मैं चलता हुआ हवन कुंड के पास चला गया। मैं उस तांत्रिक बाबा के पास खड़ा हो गया और तब वो तांत्रिक बाबा मुझसे कहने लगे थे, देखो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पेड़ों पे ये जो भी है ये सभी भूत प्रेत ही है, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम मेरे साथ हो। वो तांत्रिक बाबा अपनी आंखें बंद कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सारी बातें पता चल रही थी। मैं चुपचाप उनके पास ही खड़ा रहा और लगभग 3 बजे के करीब वो अपनी आंखें खोले थे। तब मैं उनसे कहने लगा, बाबा यहाँ पे सच में बहुत सारे भूत प्रेत हैं। तब उनका कहना था, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम यहाँ पे मत आओ, लेकिन तुम आए कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा ना। तब मैं भी कहने लगा, नहीं मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। यहाँ पे पेड़ों पे कई सारे इंसानी आंखें थे जो चमक रहे थे। तब बाबा कहने लगे थे, मुझे पता है, देखो कल से तुम यहाँ शमशान घाट में मत आना, चलो अब मुझे अपने घर जाना है। फिर मैं भी उन्हें ऑटो रिक्शा में बिठा कर रिक्शा स्टैंड की ओर बढ़ चला। मैं उन्हें रिक्शा स्टैंड पर ही छोड़ अपने घर पहुंचा और तब मैंने देखा मेरी माँ बेड पर बैठी हुई थी और मैं उनसे कहने लगा, आज आपकी नींद जल्दी खुल गई या फिर आज सो ही नहीं थी। तब उनका कहना था, नहीं
आज मेरी नींद जल्दी खुल गई। आज मेरे सर के दर्द पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। पूरे 10 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि मेरे सर के दर्द पूरी तरह से गायब हुए हैं। मैं भी खुश था। मैं भी उनसे कहने लगा, सो जाइए, अभी रात के 4:30 बजे हैं, अभी भी काफ़ी समय है। तब मेरी माँ का कहना था, मुझे नींद नहीं आने वाली, मैं जाती हूँ, घर का काम करती हूँ। तब मैं भी चलते हुए अपने कमरे में चला गया और अपने बेड पर जाकर सो गया। मैं सोते वक्त ये सोच रहा था कि वो बाबा अगर मेरी माँ की बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो यकीनन वो मेरे पिताजी की बीमारी को भी ठीक कर ही सकते हैं। मेरे पिताजी कोमा में गए हुए हैं, वो बाबा मेरे पिताजी को कोमा से बाहर ला सकते हैं। कल मैं शाम के वक्त उनसे बातें करूंगा, उनसे कहूंगा कि आप कैसे भी करके मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मैं इतना सोचते हुए सो गया और मेरी नींद खुली दिन के लगभग 10 बजे के करीब। मैं रात में भी ऑटो चलाने का काम नहीं किया था, इसलिए मैं 10 बजे उठा और ऑटो लेकर ऑटो चलाने चला गया। मैं दिन भर ऑटो चलाने का काम करता रहा और फिर से शाम के वक्त खाना खाकर 10 बजे के करीब, रात के 10 बजे के करीब ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा और तब मैंने देखा वो बाबा वहीं रिक्शा स्टैंड पर ही खड़ा थे। मैं उनके पास जाकर ऑटो रोका और वो भी ऑटो में आकर बैठ गए। तब मैं उनसे कहने लगा, बाबा क्या आप मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हैं? मेरे पिताजी कई दिनों से कोमा में गए हुए हैं, पता नहीं वो कब तक ठीक हो पाएंगे। क्या आप अपनी शक्तियों से मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हैं? तब उस बाबा का कहना था, देखो बेटा, मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। जिस तरह तुम अपनी इच्छा मुझसे मांग रहे हो, वैसे ही मैं अपनी इच्छा इस प्रेत से मांगता हूँ जो मेरे बगल में ही बैठा हुआ है। मैं इसे अपनी इच्छाएं मांगता हूँ और ये मेरी इच्छाओं के बदले मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाता है, ये मेरे खून को पीता है। फिर भी मैं इसे तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए कहता हूँ। देखता हूँ ये तुम्हारे पिताजी को ठीक करने के लिए मुझे क्या लेता है। इतना बोलकर वो ऑटो में ही किसी से बातें करने लगे और कुछ देर बाद वो बाबा फिर से मुझे कहने लगे, बेटा ये प्रेत बोल रहा है कि अगर ये तुम्हारे पिताजी को ठीक करेगा तो इसे किसी इंसान की बलि चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी लगभग लगभग पूरी तरह से मरने के गगार पे हैं। अगर ये तुम्हारे पिताजी को ठीक करेगा तो इसे किसी इंसान की बलि चाहिए। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी बातें सुन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मैं उनसे कहने लगा, इंसान की बलि? नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी को ठीक करने के लिए किसी इंसान की बलि नहीं दे सकता। तब उस बाबा का कहना था, तो फिर ठीक है, अपने पिताजी को ठीक मत करो। तब मैं भी उनसे कहने लगा, लेकिन कोई तो उपाय होगा ना बाबा, आपके पास और कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे पिताजी ठीक हो सकते हैं? तब वो बाबा थोड़ी देर सोचने के बाद मुझसे कहने लगे, हाँ एक उपाय तो है जिससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो सकते हैं और इसी के साथ तुम अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हो। देखो, क्या तुम यक्षिणी साधना कर सकते हो? क्या तुम यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हो? देखो, पहले मैं ये चाहता था कि मैं यक्षिणी को सिद्ध करूं, लेकिन मैंने गलती से इस काले प्रेत को सिद्ध कर लिया और अब ये काला प्रेत मुझे और कोई साधना करने ही नहीं देता। अब मैं चाहता हूं कि तुम यक्षिणी साधना करो और यक्षिणी को सिद्ध करो, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। तुम भी अपने पिताजी को ठीक कर पाओगे, अपनी सारी मनोकामना पूरी करवा पाओगे और मैं भी इस काले प्रेत को यक्षिणी की मदद से अपने से दूर करवा दूंगा। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और तब मैं भी बाबा से कहने लगा, क्या ये संभव है? क्या मैं यक्षिणी साधना कर सकता हूँ? तब उस बाबा का कहना था, हाँ कर तो सकते हो, बस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी यक्षिणी साधना में मदद करूंगा। तब मैं भी कहने लगा, तो भी ठीक है, कैसे करना है यक्षिणी साधना? तो उनका कहना था, चलो तुम मेरे साथ शमशान घाट चल ही रहे हो, मैं तुम्हें वही बताता हूँ। फिर हम दोनों शमशान घाट पहुँच आए और तब वो बाबा मुझसे कहने लगे, यहाँ जमीन पे बैठो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, सभी विधियाँ समझाता हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। तब मैं भी उनके साथ शमशान घाट में जमीन पे बैठ गया और तब बाबा मुझे कहने लगे, देखो बेटा, यक्षिणियाँ दो तरह की होती है। पहली तो बुरी यक्षिणी होती है, जिसे अगर तुम गलती से भी सिद्ध कर लेते हो तो वो तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर सकती है, उसमें हवस बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी यक्षिणी वो अच्छी होती है और उसे प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक बुराइयां है, अगर तुम्हारे अंदर कभी लालच आया तो वो तुम्हारे अंदर के लालच को पहचान जाएगी और फिर वो तुम्हें जान से भी मार सकती है। तुम्हारे जीवन में कभी भी लालच नहीं आनी चाहिए, तभी वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे अंदर लालच आते ही
वो तुम्हें जान से मार डालेगी। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि तुम अच्छी यक्षिणी को ही सिद्ध करो, लेकिन तुम उसे प्रेमिका के रूप में सिद्ध ना करके यक्षिणी के असल रूप को ही सिद्ध करो। जिससे ये होगा कि वो तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन वो तुम्हारे द्वारा कहे गए किसी भी बात को नहीं मानेगी। तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना होगा। अगर उसे ऐसा लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तभी वो तुमसे बातें करेगी, तुम्हारे द्वारा कहे गए किसी भी बात को मानेगी। बस तुम ये समझ सकते हो कि जैसे होता है ना, कोई अनजान इंसान, वो तुमसे मिलेगा और तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें कैसे भी करके उसे दोस्ती करनी होगी और तभी वो तुम्हारे द्वारा कहे गए किसी भी बात को मानेगी। इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस उसके साथ तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करना है। वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और तब मैं भी बाबा से कहने लगा, क्या मैं यक्षिणी से दोस्ती बना पाऊंगा? तब बाबा का कहना था, हाँ यकीनन तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, वो यक्षिणी भी तुमसे दोस्ती जरूर करना चाहेगी। तुम यक्षिणी के असल रूप को ही सिद्ध करो। ये लो किताब, ये रहा यक्षिणी को सिद्ध करने की किताब। तुम्हें इस किताब को पढ़ना है। चलो मैं उस बड़े से पेड़ के पास एक गोल घेरा बना देता हूँ, जिसके अंदर बैठकर इस किताब में लिखे गए मंत्रों को हर रोज 1000 बार पढ़ना है। तुम्हें इसे लगातार 21 दिनों तक करना है। मैं उस पेड़ के पास मंत्रों का उच्चारण करते हुए राख से वो गोल घेरा इसलिए बनाऊंगा ताकि तुम्हें कोई भी भूत प्रेत नुकसान न पहुंचा पाए। यक्षिणी साधना ये कोई आम साधना नहीं है। जब तुम इस साधना को करोगे और तुम जैसे जैसे इस साधना के करीब पहुंचते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा ये साधना पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे साधना में कई सारे विघ्न आएंगे, कई सारे भूत प्रेत तुम्हें नजर आएंगे जो तुम्हारे साधना को भंग करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें हर रोज लगातार 1000 बार मंत्रों को पढ़ना है। तुम्हें बीच में कभी भी रुकना नहीं। अगर तुम बीच में रुकते हो तो तुम्हें फिर से 1000 बार मंत्रों को पढ़ना है। तुम्हें ऐसा लगातार 21 दिनों तक करना है। अगर तुम एक भी दिन इस काम को नहीं कर पाए, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाए, तो तुम पागल हो सकते हो। ये यक्षिणी साधना की एक बहुत ही बुरी चीज है। तुम्हें हर रोज लगातार 21 दिनों तक यक्षिणी साधना को करना ही होगा, मंत्रों को 1000 बार पढ़ना ही होगा। तब मैं भी कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। 1000 बार ही पढ़ना है ना, मैं पढ़ लूंगा। बनाइए उस पेड़ के पास वो गोल घेरा बनाइए। तब वो बाबा भी जमीन पर से राख को उठाकर मंत्रों को बुदबुदाते हुए वहीं उस बड़े से पेड़ के नीचे गोल घेरा बना दिए और मैं भी उस गोल घेरे में जाकर बैठ गया। मैं किताब में लिखे गए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया और मैं लगातार 1000 बार तक मंत्रों को पढ़ता रहा। रात के लगभग 2 बजे तक मैं उस पूरी मंत्रों को पढ़ पाया था। उस किताब में पूरे 1000 बार ही मंत्र लिखे गए थे और मैं मंत्रों को पढ़ने में कामयाब रहा। लेकिन जब मैं मंत्रों को पढ़ रहा था तब मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि इस पेड़ पे कोई तो है जो पेड़ को हिला रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं लगातार मंत्रों को पढ़ता ही रहा। रात के 2 बजे तक मैं पूरी मंत्रों को पढ़ लिया था और वो बाबा भी वहाँ शमशान में ही साधना कर रहे थे। उनकी भी साधना रात के लगभग 3:30 बजे तक पूरी हो चुकी थी और फिर से हम ऑटो को लेकर रिक्शा स्टैंड पर पहुँच आए। मैं उन्हें रिक्शा स्टैंड पर छोड़ दिया और मैं ऑटो लेकर अपने घर पहुँचा। अपने घर में जाकर सो गया और फिर दिन भर मैं ऑटो को चलाने का काम करता रहा। रात के लगभग 10 बजे के करीब मैं फिर से उसी शमशान घाट में पहुँचा और यक्षिणी साधना करने की शुरुआत कर दिया। मैं फिर से आज 1000 मंत्रों को पढ़ पाया था, लेकिन आज मुझे कल से थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पेड़ तो हिल ही रहे थे, लेकिन मेरे आसपास ऐसा लगता कि कोई तो है, इस गोल घेरे के पास कोई तो है जो बार बार मेरे कान के पास आकर आवाज़ें लगा रहा है। उसकी आवाज़ बहुत ही मध्यम सी आ रही थी और मुझे ऐसा लगता कि मेरे कान के पास ही है जो मुझे आवाज़ें लगाकर डराना चाहता है। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं लगातार मंत्रों को पढ़ता रहा और रात के लगभग 2 बजे तक मैं मंत्रों को पूरा पढ़ चुका था। मैं 1000 बार मंत्रों को पढ़ चुका था और तब मैं उस बाबा के पास पहुंचा। उनकी भी साधना रात के 3:30 बजे तक पूरी हो चुकी थी और हम फिर से अपने अपने घर चले गए। अब ऐसे ही हर रोज का काम था। रात के वक्त मैं शमशान घाट में जाता, मंत्रों का उच्चारण करता। हर रोज मुझे यहाँ पे भूत प्रेत नए नए तरीके से डराने की कोशिश करते, लेकिन मैं बिना डरे मंत्रों का उच्चारण करता रहता। इसी तरह से पूरे 20 दिन बीते और 21वां दिन वो तांत्रिक बाबा मुझसे कहने लगे, आज है वो आखिरी रात, आज तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी, आज वो यक्षिणी तुमसे मिलने के लिए आएगी।
लेकिन उससे पहले तुम्हें इस साधना को पूरी करना होगा। आज की साधना में तुम्हें बहुत डर लग सकता है, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके साधना को पूरी करना है। वो तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी उस गोल घेरे में जाकर बैठ गया। मैं मंत्रों का उच्चारण करने लगा और लगभग रात के 12 बजे के करीब मुझे इस पेड़ के ऊपर से किसी लड़की की आवाज आने लगी थी। वो मुझे कह रही थी, मंत्रों का उच्चारण क्यों कर रहे हो? देखो मैं पेड़ के ऊपर हूँ, मैं आ चुकी हूँ, तुम मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दो। वहाँ पेड़ के ऊपर से आवाजें मेरे कान पे बहुत ही मध्यम मध्यम सी पड़ रही थी, लेकिन मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं रोकना चाहता था। मैं ये तो जानता था कि पेड़ के ऊपर कोई तो है, कोई लड़की है जो मुझसे ऐसा कह रही है। लेकिन जैसा बाबा का कहना था, इस तांत्रिक बाबा का कहना था कि तुम्हें हर रोज मंत्रों का उच्चारण 1000 बार करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम पागल भी हो सकते हो। इसलिए मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। मैं रात के लगभग 2 बजे तक मंत्रों का उच्चारण पूरे 1000 बार तक कर चुका था। और तब मैं पेड़ के ऊपर देखा, वहां पेड़ के ऊपर नीले साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होगी और इसके साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहे थे। मैं उस लड़की की ओर देख रहा था। उसने अपने शरीर पर कई सारे आभूषण पहन रखे थे और सारे आभूषण चमक रहे थे। इसके साड़ी से भी नीले रंग की थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी और मैं उस लड़की की ओर देख रहा था। ये थी इतनी ज्यादा सुंदर, इसके चेहरे पर जैसे एक तेज था जो मेरी आंखें इसके चेहरे से हटने नहीं दे रहा था। मैं उसके चेहरे की ओर लगातार देख रहा था और तब वो लड़की अपनी पलकें झुकाते हुए मुझे कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने कभी लड़की नहीं देखा? अब मैं भी उसकी बातें सुन अपने सर झुका लिया था और उसे कहने लगा, कौन हो तुम और तुम यहाँ पेड़ पे कैसे आई? तब उसका कहना था, यक्षिणी तुमने ही तो मुझे बुलाया है ना, पता नहीं तुम्हें ऐसी क्या चुलमची थी जो तुम लगातार 21 दिनों से मुझसे मिलने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लो मैं आ गई, बताओ क्या कहना चाहते हो? तब मैं भी उससे कहने लगा, क्या तुम मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हो? तब वो यक्षिणी भी हंसते हुए कहने लगी, मतलब मेरी माँ सही कहा करती थी कि इंसान लालची होते हैं और तुम भी लालची हो। देखो तुम मुझे मिलने के लिए यहाँ पे बुलाए थे, तुम मुझसे मिल लिए हो और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब मैं भी उसे कहने लगा, देखो मैं लालची नहीं हूँ, पहले मेरी इच्छा तो जान लो कि मैं कौन सी इच्छा मांगने वाला हूँ। मेरे पिताजी कई दिनों से कोमा में हैं, वो मरने की गगार पे हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। क्या तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकती हो? तब वो यक्षिणी थोड़ी देर तक सोचने के बाद मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारे पिताजी को भला क्यों ठीक करूं? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा को भला क्यों पूरी करूं? तब मैं भी उसे कहने लगा, देखो अगर तुम मेरे पिताजी को ठीक कर दोगी तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। क्या तुम मेरे पिताजी को बचा सकती हो? मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ है। तब वो यक्षिणी मुझसे कहने लगी, देखो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे पता है कि इंसान लालची होते हैं, इंसान स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे मिल चुके हो और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यक्षिणी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा, देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान स्वार्थी नहीं होता, तुम्हें इंसानों को जानना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इंसान स्वार्थी होते हैं? तब उसका कहना था, मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि इंसान स्वार्थी होते हैं और मैं अपनी माँ की सभी बातें मानती हूँ। तब मैं भी उसे कहने लगा, तुम यक्षिणियों के पास तो शक्तियाँ होती है ना, वो इंसानों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इंसान कैसे हैं, वो बुरे इंसान हैं या फिर अच्छे इंसान हैं। तब वो भी कहने लगी थी, हाँ हमारे पास शक्तियाँ तो होती है, हम किसी भी इंसान को देखकर पता लगा सकते हैं कि इंसान का चरित्र कैसा है। तब मैं भी उसे कहने लगा, तो फिर मेरे बारे में भी जानो ना, मुझे भी देखो, मेरे बारे में भी पता करो कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ या फिर अच्छा इंसान हूँ। तो उसका कहना था, देखो अभी मेरे पास उतने ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है कि मैं तुम्हें देखकर ये पता कर सकूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो या फिर बुरे इंसान हो। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आती जाएगी और तब मैं पता कर पाऊँगी, सिर्फ देख कर पता कर पाऊँगी कि इंसान का चरित्र कैसा है। अभी मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारे हाथ को पकड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ना चाहती। तो मैं भी उसे कहने लगा, यार तुम मानते क्यों नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं। तब उसका कहना था, मैं नहीं मानने वाली,
इंसान बुरे होते हैं। तब मैं भी उसके पास गया और उसे कहने लगा, लो तुम मेरे हाथ को पकड़ो और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। अब वो भी कुछ देर तक मेरी ओर देखते रहे और फिर अपनी नजरें झुकाकर डरते डरते अपना हाथ मेरे हाथ की ओर बढ़ाने लगी। फिर वो मेरे हाथ को पकड़ कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही और तब उसके बाद वो कहने लगी, राहुल, राहुल नाम है तुम्हारा। तब मैं भी उसे कहने लगा, हाँ मेरा नाम राहुल है, तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है ना। तब उसका कहना था, हाँ मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या पता तुम्हारा स्वभाव कब बदल जाए, तुम कब मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। तब मैं भी उसे कहने लगा था, क्या यार तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम एक अच्छे नहीं हो और तुम एक मामूली इंसान से डर रही हो। तो उसका कहना था, हाँ इंसान तो स्वार्थी होते हैं ना, क्या पता तुम्हारा भी स्वभाव बदले और तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगो। तब मैं भी उसे कहने लगा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तुम मानते क्यों नहीं। तो उसका कहना था, देखो मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसे विश्वास नहीं होगा, तुम मुझसे बातें करो, अगर तुम मुझे पसंद आए, मुझे ऐसा लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी नहीं बदलने वाले, तब मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी, मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करूंगी, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। तब मैं भी उसे कहने लगा, अभी तो तुम कह रही थी कि इंसान स्वार्थी होते हैं और अभी तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती हो। तो उसका कहना था, अभी नहीं, मैं तुमसे बातें करूंगी और जब तुम मुझे पसंद आओगे तब मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी। तब मैं भी उसे कहने लगा, तो फिर करो ना बातें, बातें करने में क्या है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुमसे बातें ही तो कर रहा हूँ, बताओ तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसका कहना था, अवंतिका, मेरा नाम अवंतिका है। देखो अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, तो मैं भी इंसान से दोस्ती करना चाहती थी, मैं भी इंसानों की दुनिया में घूमना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ वो मुझे बार बार समझाया करती कि इंसान स्वार्थी होते हैं, वो तुम्हारा कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं, यही कारण है कि मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी बुरे इंसान हो और मैं तुमसे बातें तक नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता है। तब मैं भी उसे कहने लगा, तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी, देखने में तो तुम भी मेरे ही उम्र की लग रही हो, एक शख्सनी कितने सालों तक जीवित रह सकती है। तब उसका कहना था, देखो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी भी लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तब मैं भी उसे कहने लगा, तुम लड़की कहाँ हो, तुम तो एक यक्षिणी हो ना। तो उसका कहना था, देखो भले ही मैं एक यक्षिणी हूँ, लेकिन हूँ तो एक स्त्री ही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी उम्र बताती हूँ, मेरी उम्र 22 साल है और एक यक्षिणी अगर चाहे तो वो हजारों साल तक जीवित रह सकती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने सालों तक जीवित रहना चाहती है। तब मैं भी उसे कहने लगा, क्या सच में। तो उसका कहना था, हाँ सच में। फिर ऐसे ही हम वहाँ रात के लगभग 4 बजे तक बातें करते रहे, वो मुझे अपने बारे में बताती गई और मैं भी उसे यहाँ अपनी दुनिया की कई सारी जानकारियाँ देता रहा। और रात के 4 बजे मैं जानता था कि उस तांत्रिक बाबा की साधना खत्म होने वाली है। मैं यक्षिणी से कहने लगा, देखो मुझे अब मेरे घर जाना होगा, क्या तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकती हो। तब वो यक्षिणी भी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगी, देखो तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर दूंगी। तब मैं भी उसे कहने लगा, कृपा कर तुम मेरे पिताजी को भी ठीक कर दो, उसके बदले तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो उसका कहना था, मैं भला तुम्हें कुछ क्यों कहूँगी, और रही तुम्हारे पिताजी को ठीक करने की बात, तो तुम बार बार इतने जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर ही देती हूँ, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, क्या तुम हर रोज मुझसे मिल सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। देखो तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे मैं मिली हूँ, और पहले ही मुलाकात में ऐसा लगने लगा है कि मैं तुमसे बातें करती ही रहूं, पता नहीं क्यों, इसका कारण शायद ये भी है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तुम अच्छे इंसान हो, यही कारण है कि मन ऐसा करता है कि मैं तुमसे हर वक्त बातें करती ही रहूं। तब मैं भी उसे कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे हर रोज मिलने के लिए यहाँ पे आया करूँगा, लेकिन तुम मेरे पिताजी को ठीक कर दो। तब वो भी कहने लगी, ठीक है मैं अभी तुम्हारे पिताजी को ठीक किए देती हूँ। वो इतना बोलकर अपनी आंखें बंद कर उंगलियों को घुमाने लगी, उसकी उंगली में रोशनी चमकी और कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोल कहने लगी, तुम्हारे पिताजी ठीक हो चुके हैं, तुम अपने घर जाकर देख सकते हो। तब मैं भी उसे कहने लगा, ठीक है चलता हूँ,
कल मिलता हूँ। कल रात के 10 बजे मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। कल तुम्हें अगर बात करनी हो तो तुम यहाँ पे आ जाना। मैं भी अपने ऑटो के पास चला गया और वो तांत्रिक बाबा भी कुछ ही देर में ऑटो के पास आ गए। मैं भी उन्हें ऑटो में बिठा लिया। वो तांत्रिक बाबा पूछ रहे थे, तुम्हारा साधना तो पूरा हो चुका है ना, मुझे पता है वो यक्षिणी तुमसे मिलने के लिए आई थी। तो मैं भी कहने लगा, हाँ वो मुझसे मिलने के लिए तो आई थी, लेकिन उसे अभी मेरे पर भरोसा नहीं है। मैं उसे आपके भी परेशानी को दूर करने के लिए कहूँगा, आपके भी कालप्रेत को दूर करने के लिए आपसे कहूँगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब उसे पूरी तरह से मेरे पर भरोसा हो जाएगा तभी वो मेरी इच्छा को पूरी करेगी। तब वो बाबा भी कहने लगे थे, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पर उसे पूरा भरोसा हो जाए तभी तुम मेरे परेशानी को दूर करने के लिए उसे कहना। वैसे भी मुझे तो यहाँ हर रोज इस शमशान घाट में आना ही है। मेरे ऊपर से वो कालप्रेत दूर हो जाएगा, उसके बाद भी मैं यहाँ शमशान घाट में आया करूँगा, कोई और नई सिद्धियाँ पाने की कोशिश किया करूँगा। हम ऐसे ही बातें करते हुए रिक्शा स्टैंड तक पहुँच आए थे। मैं उन्हें रिक्शा स्टैंड पर छोड़ अपने घर पहुँचा। जब मैं अपने घर पहुँचा तब मेरी छोटी बहन मुझसे गले लगकर कहने लगी, भैया पिताजी ठीक हो चुके हैं, वो कोमा से बाहर आ चुके हैं। मैं भी भागता हुआ अपने पिताजी के पास पहुँचा और उनके गले लगकर रोने लगा। पिताजी मुझे समझाते हुए कह रहे थे, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ था, देखो मैं भी तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ ना। मैं भी कह रहा था, हाँ ऊपर वाले की बहुत कृपा है, बहुत मेहरबानी है कि आप सही सलामत हैं। फिर मैं वहाँ कुछ देर तक अपने पिताजी से बातें करता रहा, उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो गया और लगभग दिन के 11 बजे मैं ऑटो को लेकर ऑटो चलाने के लिए चला गया। दिन भर ऑटो चलाया और रात के 10 बजे मैं उसी तांत्रिक को लेकर शमशान घाट में पहुंचा। वो तांत्रिक बाबा साधना करने में व्यस्त हो गए और तब वो यक्षिणी अवंतिका मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो मुझे अपने बारे में बताना शुरू हो गई, नई नई कहानियाँ सुनाना शुरू हो गई और मैं भी वहीं पेड़ की टहनी पर बैठा उसकी कहानियों को सुनता रहा। वो भी मुझसे कह रही थी, बताओ तुम भी अपने बारे में बताओ, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। तब मैं भी उसे कहने लगा, मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिताजी को ठीक करने के लिए। तो वो भी कहने लगी, अरे कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही हम बातें करते रहे और रात के लगभग 4 बजे फिर से उस तांत्रिक बाबा को लेकर अपने अपने घर चले आए। अब ऐसे ही हर रोज का काम हो गया है, दिन भर ऑटो चलाता हूँ और रात के वक्त उस तांत्रिक बाबा को लेकर शमशान घाट में जाता हूँ और फिर यक्षिणी अवंतिका से बातें करता हूँ। वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें किया करती है, मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती है और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं भी उसकी बातें सुनता ही रहूं। मुझे दिन में बहुत ज़्यादा उस यक्षिणी अवंतिका की याद आती है। मैं उसे मिलना तो चाहता हूँ लेकिन वो रात के वक्त ही मुझे उस शमशान घाट में मिलने के लिए आया करती है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं अवंतिका को पसंद करने लगा हूँ, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं डरा करता हूँ कि क्या एक इंसान का यक्षिणी से प्यार करना सही होगा, कहीं उसे ये बात पता चल गई तो वो मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अवंतिका भी मुझे पसंद किया करती है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से उसकी आंखों में देख पा रहा हूँ, वो लगातार मेरे चेहरे की ओर ही देखती रहती है। जब मैं उसे बातें कर रहा होता हूँ तब वो मेरे चेहरे की ओर ही देखती रहती है। मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ, तब वो अपनी नजरें झुका कर कहने लगती है, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो भी मुझे पसंद किया करती है, लेकिन क्या पता हम कभी एक दूसरे को ये बात बता पाए, क्या पता मैं उसे कभी ये कह पाऊँ कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद हम दोनों जीवन भर साथ साथ ही रहें।